बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। और आप सबको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ रहे थे, और हमारी प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉपर्टी रह गई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द चार्ज विद साइन विच इट वुड कैरी इन द कंपाउंड। कि जब एटम कंपाउंड बनाएगा तो कंपाउंड में उसके पास जो चार्ज है विद साइन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्री स्टेट में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। अगर हम देखें कि आयनिक कंपाउंड बना हुआ है, तो आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ होता है वही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें हमें पता है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, प्लस वन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस वन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज़ बाय द एटम क्या होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। जनरली हम ये भी बात करते हैं कि एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है। ये बात मैंने कैसे की, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे पास जो ग्रुप 1A से 4A तक के एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है एज देयर ग्रुप नंबर। जो उनका ग्रुप नंबर है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम, ये 3A से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 3A से बिलोंग करते हैं, 3 से बिलोंग कर रहे हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, प्लस 3 होती है। इनके सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। हमने वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनकी बेस पे, जो कि सेम उनका ग्रुप नंबर होता है, हमने कहा कि इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होती है। अब अगर हम 5A के एलिमेंट्स को देखें तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, जो कि सेम होगा उनका ग्रुप नंबर, या होगी वैकेंसी अवेलेबल इन देयर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में जो उनके पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी वैकेंट है वो होगी, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि सेम उनका ग्रुप नंबर होता है, वो होगी। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड आर्सेनिक। ये प्लस 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और प्लस 5 की भी करते हैं। प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट ये अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जो कि सेम ग्रुप नंबर है, उसकी वजह से शो करते हैं, और प्लस 3 इनकी वैकेंसी है अवेलेबल इन वैलेंस शेल। 6A के एलिमेंट्स में भी सेम केस है। हम एग्जांपल देखते हैं H2SO4 की। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, जो कि उसका ग्रुप नंबर भी है, लेकिन H2S में -2 है। ये -2 हमें बताता है कि ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट वैकेंसी है वैलेंस शेल के अंदर, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। यानी कि 5A और 6A में ऑक्सीडेशन स्टेट की दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जो कि सेम होती है ग्रुप नंबर से, या हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल होगी। 8A के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, और इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, इसलिए इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हमने सब ग्रुप बी में प्लेस किया हुआ है, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर शो करेंगी। जैसे कॉपर है, इसकी प्लस 1 होगी, जिंक की प्लस 2 होगी, वैनेडियम की प्लस 5 होगी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पार्शली फिल्ड डी सब शेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें पता है कि डी सब शेल में, डी सब शेल जो होता है पार्शली फिल्ड होता है, और ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके पास भी ये टेंडेंसी होती है कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकें। अब मैंने आपको बताया था, हमारे पास ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता था कि 8A के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, और नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है, जिसकी वजह से हम ग्रुप 8A को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं, वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो? इसका आंसर ये है कि नोबल गैसेस का अपडेट कंप्लीट होता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, क्योंकि इन्हें अपना अपडेट कंप्लीट नहीं करना होता, इनका अपडेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। अब हम देखेंगे ग्रुप कंपाउंड्स के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड। कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे, हम हैलाइड्स के अंदर देखेंगे, हाइड्राइड्स के अंदर देखेंगे और ऑक्साइड्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हैलाइड्स क्या होते हैं। हैलाइड्स क्या हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं विच हैलोजेंस फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ हैलोजन जो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा उसको हम कहते हैं हैलाइड्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं बॉन्डिंग की नेचर पर। बॉन्डिंग की नेचर पर ही हमने इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास आयनिक हैलाइड्स और एक है हमारे पास कोवेलेंट हैलाइड्स।
इन दोनों टाइप्स के दरमियान हमारे पास एक और टाइप आती है पॉलीमेरिक हैलाइड्स की। पॉलीमेरिक हैलाइड्स वो होते हैं जिनमें हेलोजिन एटम ब्रिज के तौर पर मौजूद होता है। हेलोजिन एटम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स के दो एटम्स के दरमियान हेलोजिन जो है वो एज अ ब्रिज प्रेजेंट होता है। अब वो एलिमेंट्स जो हाईली जो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जिनका हेलोजन एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो हमारे पास आयनिक हैलाइड्स बनाएंगे। इसके एग्जांपल देखें, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A में जो मौजूद होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और ये प्योरली आयनिक कंपाउंड बनाती हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर आयनिक कंपाउंड्स में हम देखें तो जो हमारे पास फ्लोराइड्स होते हैं इनकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि फ्लोरीन जो है हमारे पास ग्रुप में सबसे ऊपर मौजूद है, टॉप पे मौजूद है, इसका साइज सबसे स्मॉल होता है, जिसकी वजह से फ्लोराइड आयन का साइज भी स्मॉल होता है। तो फ्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड्स आयन्स का साइज स्मॉल होता है। हैलाइड्स के लिए फ्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर इनका हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो फ्लोराइड्स के सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड्स के, फिर ब्रोमाइड्स के और फिर आयोडाइड्स के। अब वो एलिमेंट्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं सच एज बेरिलियम, गैलियम, एल्युमिनियम, ये हमारे पास बनाएंगे पॉलीमेरिक हैलाइड्स जिनमें पार्शली आयनिक बॉन्डिंग होगी लेयर या चेन लैटिस के अंदर। SaCl4 का लैटिस जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होता है और ये हाईली पोलर होता है, जबकि PCl3 और S2Cl2 लेस पोलर होते हैं। ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे कह रहे हैं कि SaCl4 जो है वो हाईली पोलर है और PCl3 और S2Cl2 लेस पोलर होते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने से हमारे पास जो बॉन्डिंग करैक्टर है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कोवलेंट करैक्टर, यानी कि जो हमारे पास आयनिक हैलाइड्स का करैक्टर था वो शिफ्ट हो जाएगा कोवलेंट हैलाइड्स की तरफ। और कोवलेंट हैलाइड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो कि वीक होती हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट हैलाइड्स हमारे पास या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आयनिक करैक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। क्यों डिक्रीज होते हैं? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। बॉन्डिंग करैक्टर की वेरिएशन को हम ग्रुप्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि मेटल्स हैं, इनके लिए अगर हम हैलाइड्स के डिक्रीजिंग आयनिक करैक्टर को देखें तो फ्लोराइड्स का आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड्स का, फिर ब्रोमाइड्स का और देन आयोडाइड्स का। AlF3 जो है ये हमारे पास प्योर आयनिक कंपाउंड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1290 डिग्री सेल्सियस है और ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन AlI3 हमारे पास कोवलेंट इन नेचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 198 सेल्सियस होता है और ये नॉन कंडक्टर है। AlF3 फ्लोराइड से, ये फ्लोरीन जो है वो ग्रुप में टॉप पे मौजूद होती है। हमने पढ़ा कि हम ग्रुप्स में भी आयनिक करैक्टर के ट्रेंड को देख सकते हैं, यानी कि आयनिक करैक्टर का ट्रेंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। AlF3 आयनिक था और AlI3 जो है वो कोवलेंट इनके नेचर है। अब अगर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा हैलाइड बना रहा है तो वो मेटल हैलाइड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी वो आयनिक होगा एज कम्पेयर टू दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो कोवलेंट इन नेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल PbCl2 जो है ये आयनिक होता है और PbCl4 कोवलेंट होता है। दिस इज ड्यू टू दी हाई पोलराइजबिलिटी ऑफ Pb+4। Pb+4 की हाई पोलराइजबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है एज कम्पेयर टू Pb+2। पोलराइजबिलिटी क्या होती है? एक्सटेंड टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुड बी डिस्टोर्टेड, वो हद जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टोर्ट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे हाइड्राइड्स के अंदर प्रोडक्टेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्राइड्स होते क्या है। हाइड्राइड्स भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं, किसके? हाइड्रोजन के विद अदर एलिमेंट्स। इनमें भी नेचर की बॉन्डिंग के लिहाज से इनको हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक है हमारे पास आयनिक, दूसरे हैं कोवलेंट और तीसरे हैं इंटरमीडिएट। 1A के और 2A के जो हैवियर मेंबर्स हैं, 1A के सब एलिमेंट्स और 2A के हैवियर मेंबर्स जो हैं वो हमें आयनिक हाइड्राइड्स देते हैं जिनमें हाइड्राइड आयन H- प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स गिव रीजन। अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1A हैं वो हमें आयनिक हाइड्राइड्स देती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसकी सेम रीज़न है कि अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इनका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमें आयनिक हाइड्राइड्स दे रही होती हैं। आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे हमने हैलाइड्स में पढ़ा था, सेम वैसे हाइड्राइड्स में जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारा बॉन्डिंग करैक्टर है वो कोवलेंट करैक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स हैं ये इंटरमीडिएट क्लास से बिलोंग करते हैं।
इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और इनकी नेचर जो है वो कोवलेंट होती है। कोवलेंट हाइड्राइड्स जो कि हमने पढ़ा था कि इनमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये यूजली गैसेस होती हैं या वोलेटाइल लिक्विड्स होती हैं, ये नॉन कंडक्टर होती हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाती हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जीज डिपेंड करती हैं साइज पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट पे। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड बनाएगा, और जो थेलियम, लेड और बिस्मिथ हैं ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन से एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं? वो एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.8 से ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 होती है। मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स जो हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम पीरियडिक टेबल में पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी भी इंक्रीज होगी, और पोलैरिटी इंक्रीज हाई पोलैरिटी की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जैसे वाटर है, HF होता है, इनमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाई पोलैरिटी और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स जो हैं इंक्रीज़ करते हैं ऑन डिसेंडिंग का ग्रुप। ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, लेकिन केस इज़ नॉट सेम विद वाटर, अमोनिया एंड HF। इनमें क्यों नहीं सेम होता? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक्सेप्शन शो कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ऑक्साइड्स और पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम कल पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।